फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं त्रिनिशा और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अजियो से जींस का वीडियो। सो मैंने अजियो से कुछ इतने सारे जींस ऑर्डर किए तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट येट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर अपनी इंस्टा आईडी दे दूंगी, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वन मोर थिंग कि इन सबका जो भी प्राइस होगा ना आपको नीचे स्क्रीन पे मिल जाएगा और इनकी जो भी लिंक होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड आप वहां जाकर परचेज कर सकते हो। सो यार नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। विद द फर्स्ट जीन्स दैट आई हैव इज दिस जीन्स। ये है बाय द ब्रांड आउटराइट या और इसमें जो साइज मैंने परचेस किया है वो किया है 28। वो कुछ ये कुछ इस तरह से जीन्स है। आप देखो यहाँ पर आपको थोड़ा रग्ड पैटर्न मिल जाता है, डार्क ब्लू शेड है इस जीन्स का और बिल्कुल भी पैरलर जीन्स है। मीन्स आपको पूरा स्ट्रेट, आप बोलो थोड़ा ऊपर से स्ट्रेट आएगा नीचे पैरलर आएगा, इस तरह से आपको इसकी लेंथ मिल जाती है। लेंथ की बात करूँ तो इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही सही आई है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मीन्स बड़ी भी नहीं आई है, छोटी भी नहीं आई है। हल्का जो हील वाले शूज़ होते हैं ना, हल्के ब्रॉड हील्स वाले शूज़, तो उसके साथ मेरे को बहुत ही अच्छी आ जाती है। बाय द वे माई हाइट इज 5'1", तो आप उससे गेस कर सकते हो ये आप पे कैसा लगेगा। सो दिस इज हाउ दिस जींस लुक्स लाइक। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, आप देखो इस तरह से अगर मैं इसे स्ट्रेच करूँ, इसकी फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है बट कंफर्टेबल है पहनने में। आपको यहाँ फ्रंट लेफ्ट लेग पे ऐसे रग्ड पैटर्न मिल जाता है, राइट पे भी आपको इस तरह से रग्ड मिल जाता है। जो रग्ड का पैटर्न है वो आपको सिर्फ अपर थाइस के पास ही मिलेगा, नीचे ये बिल्कुल इस तरह से प्लेन है। दोनों थाइस में, दोनों लेग्स के पैटर्न में यही सेम चीज़ है, आप देखो इस तरह से है ये। तो ओवरऑल ये मुझे बहुत ही अच्छे से आया। मेरे को ना थोड़ा वेस्ट इसका टाइट हो रहा था, नॉट लूज, थोड़ा टाइट हो रहा था। तो अगर आप 28 पहनते तो आई थिंक 28 आप देख लो, नहीं तो 30 पे भी जा सकते हो। बट या मेरे को थोड़ा सा टाइट लगा है ये। सो दिस इज द फर्स्ट जीन्स दैट आई हैव। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड जीन्स। तो सेकेंड जीन्स जो है हमारी वो है ये जीन्स। ये भी है बाय द ब्रांड आउटलेट। बाय द वे ये जीन्स नहीं है जो मैंने ऑर्डर की थी, मैं यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी कि मैंने कौन सा जीन्स ऑर्डर किया था और मुझे ये क्या रिसीव हुई है। सो दिस इज वॉट आई हैव रिसीव। मेरे को ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये है इन द साइज मैंने 30 परचेज किया है और ये स्किनी जीन्स है बट मैंने स्किनी जीन्स बिल्कुल नहीं ऑर्डर किया था। सो या दिस इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट कि अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, बट वाई दिस जीन्स आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। तो इसके बारे में मैं क्या ही बात करूँ। आप अगर आपको अच्छी लगती है तो आप परचेस कर सकते हो। बाय द वे दिस इज नॉट वॉट आई हैड परचेस, तो मेरे को उतना अच्छा लगा नहीं ये। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड जीन्स। जो थर्ड जीन्स है हमारी वो है ये। दिस इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज बाय द ब्रांड आउटेट आउटराइट ओनली। जो अच्छा तीनों जीन्स मेरे आउटराइट से ही है, चौथी जो आई थिंक वो दूसरे ब्रांड से। सो दिस इज द मॉम जीन्स। सो अगर आप मॉम जीन्स में कुछ देख रहे हो तो दिस इज वॉट यू नीड। सो अगर आपकी थाइज ना मेरी तरह थोड़ी हैवी है तो आई हाईली रिकमेंड कि आपको ये अच्छी लगी, क्योंकि बहुत बड़ी क्या था ना, मैं जो भी जीन्स लेती हूँ वो थाइज से मेरे को टाइट ही हो जाती है। सो ये जीन्स मेरे को थाइज से बहुत ही सही आई है। इस पर मैंने 28 साइज परचेस किया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये इस तरह से आपको हल्का शेडेड पैटर्न में मिल जाएगा और फिर ये हल्का सा आपको यहाँ पर रग्ड मिल जाएगा। सो इस तरह से कुछ आपको ये जीन्स मिलेगी। लेंथ की बात करूँ, लेंथ बहुत ही सही आई है। कलर डार्क ब्लू ही है, इसका भी डार्क ब्लू में शेड शेडेड डार्क ब्लू आप बोल सकते हो। फिटिंग ओवरऑल इसकी भी बहुत ही अच्छी आई है। सो ओवरऑल ये जीन्स बहुत ही अच्छी है। मेरे को तीनों में से आई थिंक ये अभी तक के तीनों में सबसे अच्छी यही लगी है। सो या दिस इज द थर्ड जीन्स। ना मूविंग ऑन टू द फोर्थ एंड द लास्ट जीन्स। आई थिंक ये सारे जीन्स जो थे ना वो 600 समथिंग के अप्रॉक्स थे और ये जो लास्ट जीन्स है फोर्थ वाली जीन्स, ये है बाय द ब्रांड DNMX और ये मेरे को 390 में पड़ी। कैन यू गाइस बिलीव दैट कि मेरे को 390 रुपीज में ये जीन्स मिली है। सो 390 में तो आजकल टॉप भी नहीं आते ढंग के, बट 390 में आई गॉट दिस जीन्स, आई वॉज रियली हैप्पी। और इसका जो फैब्रिक है ना वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रेचेबल है। पहनने के बाद भी इसका लुक जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। एक चीज़ था, मेरे को ये थोड़ी सी बड़ी आ रही थी, मतलब हाइट में थोड़ी सी बड़ी आ रही थी। ये आपका बूट कट जीन्स है। इसमें जो मैंने परचेस किया वो वेस्ट साइज 30 परचेस किया, आई थिंक यही अवेलेबल था, 28 अवेलेबल नहीं था। तो मैंने 30 परचेस कर लिया, आई थिंक बेल्ट वेल्ट लगा के तो मेरे को 28-30 दोनों आ जाता है। सो या और मैंने आपको जितने भी पहले वाले जीन्सेस दिखाई है ना, वो सारे जीन्स जो है ना वो हाई वेस्ट है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि हाई वेस्ट है सारे, तो उसके हिसाब से आप अपना वेस्ट साइज सेलेक्ट कीजिएगा। ये भी हाई वेस्ट है बट उतना नहीं जितना मैंने आपको पहले वाली सारी दिखाई थी। सो ये आप बोल सकते हो पैरेलल जीन्स है, मतलब थाइस के साइड से आपको थोड़ी टाइट आएगी, नीचे आके पूरी तरह से पैरेलल हो जाएगी। सो ओवरऑल मेरे को ये बहुत ही अच्छी लगी। आई मीन 390 सच स्टील प्राइस इट इज। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसे जाके तुरंत से ग्रैब कर लो अगर ये अभी भी अवेलेबल है तो। आई डोंट नो वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट नाउ।
दिस इज द लास्ट जीन्स. सो ये थे पूरी हॉल चार जीन्स जो मैंने परचेस किया है. सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट येट. अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.